नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के एनडीआरआई माल रोड की ये तस्वीरें हैं, जहां पर दरगाह शरीफ पीर साहिब की ये तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो तमाम श्रद्धालु हैं, क्योंकि आज वीरवार है और ऐसे में तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पीर बाबा के दर्शनों के लिए तो पहुँचता है, लेकिन गेट से ही अपनी अरदास पूरी करके इन लोगों को जाना पड़ता है। अगरबत्ती यहाँ पर जलाई जा रही है, जो तमाम करनाल के श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि एनडीआरआई की तरफ से ये जो बड़ा सा गेट के ऊपर आपको ताला दिखाई दे रहा है ये लगा दिया गया है। और ये आज से नहीं लगाया गया, बल्कि ये कोरोना काल से लगाया गया, यानी कि साल 2020 की बातें हैं और आज हम साल 2022 में हैं, जहां पर कोरोना का अब कोई नामो निशान नहीं है। और ऐसे में हर एक मंदिर, हर एक यानी कि संस्थान खुल चुका है, ऐसे में सभी स्कूल्स खुले हुए हैं, पूरा हरियाणा चल रहा है, पूरा देश चल रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों एनडीआरआई अपनी मनमानी कर रहा है और इस दरगाह को खोल नहीं रहा है। आप देख सकते हैं तमाम जो आस्था से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनका यही कहना है कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि अंदर काफ़ी लंबी लंबी आज के दिन पर कतारें लगती थी, लंबी लंबी लाइनों में लोग यहां पर पहुंचते थे। सुबह से ही लोग यहां पर दूर दराज से पहुंचना शुरू हो जाते थे, क्योंकि अगर मैं इस दरगाह की बात करूं तो मान्यता बहुत बड़ी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि महिला हैं जो बाहर ही हैं। मैडम, अंदर अब आप जा नहीं सकते, कितने समय से आ रहे हैं और कितने समय से बाहर ही माथा टेक कर गुजारा करना पड़ता है और जाना पड़ता है? हम तो काफ़ी समय से आ रहे हैं। कितने समय से? फिर भी मतलब कई साल से आ रहे हैं, अभी तो कोरोना खुलने के बाद भी काफी समय से, एक तो लगता रहा 3-4 हफ्ते से लगता रहा। बाहर ही माथा टेकते। बाबा जी से भी पूछते हैं, अभी बाबा जी मंदिर कब खुलेगा? कहते बेटा खुलेगा बेटा, खुलेंगे कभी तो खुलेगा। हाँ, लेकिन कब खुलेगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। और बंद करने का, ये ताला लगाने का कारण क्या है? ये कोरोना आया था उस टाइम। कोरोना, आपको लगता है कि अब किसी भी जगह कोरोना है और किसी भी जगह कोरोना की वजह से कोई गेट पर ताला? पक्के पुल भी जाते हैं तो पक्के पुल भी बड़ा रश होता है, पक्के पुल पर भी रश होता है, वहाँ पे भी तो लोग जाते हैं। जाते हैं, वो खुला दरबार है, खुला दरबार, हम वहाँ दरबार है, लेकिन यहाँ बंद किया हुआ है। ये बंद, कोई और कारण भी लग रहा है आपको? पता नहीं जी, मेरे को तो देखने बातों का। कहाँ से आप? ये रामनगर से। रामनगर से यहाँ पर पहुँचे और भी आप देख सकते हैं बड़े जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर पहुँचे, अगरबत्ती जलाते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे और यहीं पर प्रसाद का माथा टेक कर चले जाते हैं। गेट पर ही आप देख सकते हैं जो ये मन्नत के धागे होते हैं वो बांध कर चले जाते हैं, क्योंकि अंदर जाने की किसी को भी अब परमिशन नहीं है। सर, क्या आपका नाम है? यहाँ पर खड़े हुए हैं आप देख रहे हैं, क्योंकि गेट के बाहर ही अब ये देखिए अगरबत्ती जलाई जा रही है, मन्नत के धागे बांधे जा रहे हैं, लेकिन अंदर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। क्या ये पूरा सीन चल रहा है, क्यों ताला लगाया गया? आज से हमारा बचपन गुजर चुका है मैम, यहाँ पर हम शुरू से, मेरे दादा परदादा सभी यहाँ पर मन्नत मांगने आते हैं। ये जब से कोरोना चला, जब से ये गेट बंद है जी, सभी श्रद्धालु सब भी परेशान है जी, हमारी भी, हाँ जी, हमारी भी यहाँ से इतनी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, हम दर दर की ठोकरें खाते थे, जब से हम यहाँ आने लगे मैम तब से हमारी मनोकामनाएं पूरी हुई है। एनडीआरआई वालों ने क्या किया, जब से कोरोना चला जब से इसका ताला मार रखा है मैम। ठीक है जी, लोगों की मन्नतें होंगी जो पूरी हुई होंगी और जिन्होंने अंदर जाके माथा टेकना होगा। बिल्कुल मैम, हम यहाँ भंडारा भी देते रहे हैं, इस पे हम अच्छे से पूरा, जब ये गेट खुलता है पूरा अच्छे भंडारा देते रहे हैं, बिल्कुल अच्छे सेवा की हमने यहाँ पर। ऐसे कोई मन्नत नहीं जो कि हमारे यहाँ से नहीं पूरी हुई है मैम। अगर इनको इतना कोरोना से डर लगता है, अभी अब खट्टू श्याम जी का प्रोग्राम हुआ है, खट्टू श्याम के प्रोग्राम हमारे खुद सीएम खट्टर साहब भी गए हैं, हजारों लोगों की संख्या में आया, क्या उनको कोरोना नहीं हुआ? क्या सिर्फ एक एनडीआरआई को कोरोना से डर लगा हुआ है? ऐसा हो तो मैम कि सिर्फ एनडीआरआई वाले ना तो बाहर आए और ना अंदर ही जाए जी। ठीक है जी, तो ये ताला किन्होंने लगाया हुआ है? ये डायरेक्टर साहब ने लगाया। मैं तो डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पीर बाबे का लोकल है, सभी श्रद्धालु परेशान है, मत्था टेकने से भी परेशान है। ऐसा ना हो कि हमारे कारण ये बताते हैं कि भाई कोरोना करके हमने गेट को लोक लगाया हुआ है। 2020 बिल्कुल मैम, अब बिल्कुल मैम सब स्थान खुले हैं, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है मैम कि जब किसी भी स्थान के मंदिर खुल चुके हैं, सारे कपाट खुले हुए हैं। यहाँ पे इस दरगाह के मेन गेट पे ताला मारने के पीछे क्या कारण? कारण मैम यही बता रहे हैं कि भाई ये सिर्फ कोरोना, अभी कोरोना हुआ है, डॉक्टर साहब भी जितने भी सब अंदर के हैं, अभी कोरोना करके हमने गेट को लॉक लगाया हुआ है। इस ताले की वजह से नुकसान क्या क्या है? नुकसान मैम यही है कि अब देख लो आपके सामने, जब मत्था टेकते हैं यहाँ से, मत्था टेक के बाबा जी गए, कभी अंदर तक हमने नहीं की, जहाँ से हमारी मनोकामनाएं पूरी हुई वहाँ तक हमारे को मत्था टेकने की इजाजत नहीं है। आखिर में हमारा पीर बाबा है जी, हमारी मनोकामनाएं यहाँ से पूरी हुई है मैम, अंदर से हमारे को मत्था टेकने की इजाजत नहीं जाती भी, अंदर कोई मत्था टेक के आए, सिर्फ यहाँ से मत्था टेको मैम, यहाँ से बाहर जाओ जी, ये कारण है जी यहाँ का। ये कारण तो है जी। आपके माध्यम से एक ही बात कहूंगा कि मैम हमारे पीर बाबे का गेट खोला जाए, पुलिस प्रशासन से भी अपने सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे पीर बाबे का गेट खोला जाए जी। खिलवाड़ हो रहा
बिल्कुल मैम बिल्कुल, यहाँ दर्द होता है मैम। एक ये हमारे पिताजी हैं, हमारे बाप हैं, अगर बाप को जेल के अंदर बंद कर दिया जाए तो औलाद तो बिखरी फिरेगी मैम। वो हाल हमारे साथ किया हुआ है मैम। आप जैसे कई हजारों श्रद्धालु होंगे, बिल्कुल मैम, दूर दूर से मैम, कोई कैथल से, कोई हर वीरवार यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आते हैं। आज वो श्रद्धालु आए नहीं, कैथल से और हिसार से भी यहाँ मत्था टेकने के लिए आते हैं मैम, आज वो पहुँच नहीं पाया। श्रद्धालुओं की संख्या यानी कि कम भी होगी, उन्होंने आना भी बंद कर दिया होगा शायद, क्योंकि अंदर जाने नहीं दिया मैम। पिछली वीरवार भी ऐसे हुआ था, कमल मिड्डा सर आए थे, उन्होंने भी कवरेज किया था, उन्होंने आए थे भी, आई थी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, तो ये क्यों बंद किया हुआ है? आपके माध्यम से यही कहूँगा मैम, हमारे पीर आप गेट खुलवा दिया जाए बस जी। अब क्या करेंगे आप लोग मिलकर अगर ये ताला इसी तरीके से, तो देखो आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहेंगे, नहीं तो मैम अगले वीरवार तक हमारे सारा समाज जो भाईचारा वो कल को फिर अगले वीरवार फिर यहाँ बटल होएगा, जाम की स्थिति बन सकती है, तो सीएम साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे पीर आप लोकल जाए। बिल्कुल मैम बिल्कुल, इस बात को लेकर समाज के लोग आप देख सकते हैं कि इकट्ठा भी होंगे अगले वीरवार तक की एक साफ तौर पर चेतावनी दी जा रही है एनडीआरआई को कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर अगले वीरवार तक उन्होंने ये ताला नहीं खोला तो ये लोग प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, सड़कों पर भी उतरेंगे, और फिर हंगामे के बाद अगर ये ताला खुलता है तो बड़े ही शर्म की बात होगी, क्योंकि इन लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये लोग जो काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ यूँ होता है कि ये लोग अंदर नहीं जा पाते, अंदर नहीं जा पाते। इस तरफ भी आप देख सकते हैं कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो दूर दराज से यहाँ पर पहुँच रहे हैं माथा टेकने के लिए, सुबह से ही यहाँ पर पहुँच जाते हैं। सर आपका क्या नाम है, कहाँ से आप आए? अशोक प्रसाद नाम है। कहाँ से आए? मैं दूरा कॉलोनी दूरा कॉलोनी से आया हूँ। कितना समय हो गया आते हुए? 25 साल से आ रहे हैं। 25 साल से आ रहे हैं। 25 सालों में कभी गेट को इस तरीके से ताला लगा था? नहीं कभी नहीं लगा हुआ था जी, ये अभी लगा है बस। ये तो कोरोना टाइम में लगा था, उसके बाद से खुला ही नहीं अभी तक। ना खोलने का कारण? कारण तो कोरोना बता रहे हैं, कोरोना की वजह से बंद है, लेकिन अभी कोई स्थिति तय नहीं, सभी जगह खुले हैं। जैसे आज की डेट में देश में कौन सा ऐसा संस्थान है जो अभी तक बंद पड़ा है? कोई भी नहीं बंद है, सारा खुला हुआ है, सभी जगह खुला है, सभी लोग आ रहे हैं, मंदिर के कपाट खुले हैं, सभी खुले हुए हैं, द्वारे हो, पीर हो, हर जगह सभी जगह खुला हुआ जी, ऑल ओवर कहीं बंद नहीं है। यही बंद है? यही बंद है आंटी, यही बंद है बस। सगर खुला है, गुरुद्वारा मंदिर सारे खुला हुआ है, एक यही बंद है जो इन्होंने अंदर जाने नहीं देते हैं, माथा टेकने नहीं देते हैं। जो कोई भी आओ ये बाहर से माथा टेक के जाओ, हर इंसान की तमन्ना पूरी हुआ है, हर इंसान आते हैं दूर दूर से यहाँ पर माथा टेकने के लिए, माथा नहीं टेक पाते हैं, लोग दुखी हो के चले जाते हैं। कितने टाइम से आ रहे हो आप? हम लोग तो कहूँ ना 25-30 साल से आते हैं, 25-26 साल से आ रहे हैं लगातार, 3 साल से यहाँ पे ताले लगे हुए। हाँ 3 साल से ताला लगा हुआ है। तो कोई कदम नहीं उठाया एनडीआरआई वालों को आपने बोला है? अभी कोई कुछ नहीं उठाया, लेकिन परेशान है सब, परेशान है सब। हाँ परेशान है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम दुकानदार भी हैं जो बाहर सारी सामग्री लेके बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। भैया कितने टाइम से यहाँ पे आप? 25 साल हो गए जी प्रसाद लगाते हुए। 25 साल से प्रसाद लगा रहे हो और यहाँ जो 3 साल से ये बंद किया हुआ है? ये कई बार अपील करी है जी, ऊपर तक पर्चे गए हुए हैं दिल्ली तक, कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी, कोई 1 रुपए का काम नहीं है यहाँ पे, पैसे भी नहीं पूरे होते सामान के, हम इतने परेशान हैं क्या बताएं आपको, कोई सुनवाई नहीं है। तो कोरोना भी खत्म हो गया? कोरोना इनका तो कुछ अलग ही सिस्टम है, इन्होंने तो अपनी मनमानी कर रखी है, अपनी मनमानी कर रखी है। आपने कार्रवाई करवाने की कोशिश की? हमने तो मीडिया को हर बार कहते हैं, जब भी मीडिया आती है यही कहते हैं कि ये खुलना चाहिए, पीर बाबा खुलना चाहिए, हर किसी को दर्शन होना चाहिए। एक कोई गाहक आता है हमारे पास, उसको संतुष्टि नहीं होती है जब तक गेट खुला नहीं होगा, तब तक दिल की संतुष्टि नहीं होगी। तो प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील ये कहते हैं कि बाबे की, पीर बाबे की दरगाह खुलनी चाहिए, हम ये कहते हैं हाथ जोड़ के, यही विनती है कि हमारे बाबे की पीर खुलनी चाहिए। यहाँ पर सब लोग कह रहे हैं कि उनकी सिर्फ हाथ जोड़कर यही विनती है कि किसी तरीके से ये पीर बाबा का जो दरवाज़ा बंद हुआ है ये खुलवा दें, क्योंकि हजारों श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, वो अपनी मन्नत मांगने आते हैं, लेकिन दुकानदार जो यहाँ पे मौजूद है उनका कहना है कि लोग संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि इस पीर बाबा की बहुत मान्यता है, बताया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, थर्सडे वीरवार के दिन वैसे भी यहाँ पर रश होता है। तो मेरी आप लोगों से अपील, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं इसे शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि प्रशासन तक ये वीडियो पहुँचे और वो ये चीज़ समझे कि 3 साल कोरोना भी अब ख़त्म हो चुका है, स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल सब कुछ वैसे ही चल रहा है, तो क्यों ऐसी एक जगह को उन्होंने बंद कर रखे। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और देखते रहिए IBN 24। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।